बता रहा है, पुरा रहा है ना आदमी से, पूरा खिसाना चाहिए एकदम। हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से सूचना मिली उसी अपने राह पर हम फिर से निकल चुके हैं जिंदगी और मौत के बीच में। जीव जंतुओं को बचाने ते हुए हादसा कहीं से भी हो सकता है दोस्तों, नजरें जमाए के रखिए। सूचना मिली हम फिर से वही तो पहुंच चुके हैं जिस परिवार में परिवार जीवित है और उसमें लॉकडाउन का भी समय चल रहा है। अभी हम मुंह ढके हुए हैं, आपसे रूबरू होना था इसलिए मुंह खोलना पड़ रहा है। आइए हम दिखाते हैं कौन सा साफ है घर के अंदर। दोस्तों यहीं पे माता जी रहते हैं जो हमें सूचना दिए थे, जहाँ पर हम सांप निकला है उसी स्थान पर हम आए हुए हैं और इनका कहना है हमारे घर में सांप निकला है। चलिए हम दिखाते हैं कौन सा सांप है, कहाँ है। दोस्तों आप नजरें जमा के रखिए, घर का छोटा सा परिवार है, काफी भयभीत है। घर के अंदर छोटा सा सियाना है जहाँ पर रहता है। दोस्तों नजरें जमा के रखिए, चलते हैं आपको दिखाते हैं कहाँ से सांप है। दोस्तों यहाँ पर ऊपरी बहुत है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। माता जी आप घबराइए मत, हम निकालते हैं कहाँ सांप है। दोस्तों जीवों को बचाने के लिए मैं बहुत परिश्रम कर लेता हूँ, थोड़ा सा आप भी जीव जंतुओं को बचाने के लिए हमारी सहायता करें। ये गरीब परिवार लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है दोस्तों, अगर गलती से फोन नहीं उठ पाएगा इसके लिए बुरा मत मानिएगा, हम थोड़ा सा काम में बिजी रहते हैं। आप तो जानते हैं हौसला इतनी श्रवण कुमार मोहब्बत रखता है जीव जंतुओं को बचाने के लिए। दोस्तों ये मंजिल तो खतरनाक लग रहा है, लेकिन अब सांप दिख गया है उसे ढोरवा सांप बोलते हैं के नाम से जानते हैं, पानी में रहता है, बिना विष वाला सांप है ये और कहीं कहीं मेहनत रंग लाती है। आप देख सकते हैं भारत का ये नजारा, इंडियन ढोरवा सांप को इसे कहते हैं, जहाँ पर इंसान रहते हैं वहीं पे अनाज और अनाज को खाने के लिए चूहा नजरें जमाए रखे, खतरा हो सकता है और न भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ से एक ढोरवा सांप है, नर इसे छेड़छाड़ मत कीजिए, बड़ी मेहनत के बाद गरीबों को बचाने के लिए और जीव जंतुओं को जितना भी हो सके मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल मेहनत के फल मिलेंगे। हमारे शहर में सांप को अक्सर मार दिया जाता है तो आप जानते होंगे ये नाग, ये ढोरवा दोस्त क्या होता होगा, जितना बड़ी अगर एक सांप को मार दिया जाता है परिवार में जिंदगी और मौत, जब से जीवन मिला है तभी से हमारे मौत पीछा कर रही है। इंसान होने के नाते जीव जंतुओं को बचाते हैं कि कितना ये निकल नहीं रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से, आप देख सकते हैं दोस्तों इसको लेकर बार बार चलते हैं। दोस्तों काफी मेहनत हुई है, दोस्तों इसी को ढोरवा सांप बोलते हैं, ढोरिया सांप बोलते हैं, इसी को पानी में रहने वाला एक सांप है जो इसी को ढोरवा सांप कहते हैं। किसी को अंधविश्वास में नहीं आना चाहिए, कहीं भी हमारा प्राण संकट में पड़ सकता है। इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप न कीजिए, खतरा हो सकता है नहीं भी हो सकता है। बड़का गो ढोरवा सांप है, ढोर सांप है, पानी में रहता है ये सांप, इसको हिंदी में हम लोग ढोरिया कहते हैं, इंग्लिश में वाटर स्नेक और चक्कर कील बैग स्नेक कहते हैं, बंगला में
जल ढोरिया ढोरियाई कहते हैं। बहुत बड़ा साइज का और बहुत ही पुराना है, कुछ भी नहीं होगा। 20 साल पुराना सांप है, ये काटता नहीं है लेकिन ये तुरंत दांत गड़ा देता है। धन्यवाद। ये वाटर स्नैक हिंदी में ढोरा सांप बोलते हैं, पानी में रहता है और किसी सांप होता है, इसे काटने की छोटा नहीं, जिस सिर्फ दांत करा देता है, दांत कराने में साला पेट लाए। ये दरवा में निकला है, ये दरवा सांप है, वाटर स्नैक, इसे काटने पीट होता नहीं, बस दांत गड़ाने में आगे है, बस यही सांप होता है ये। जाइए जाइए, काम आप तमाम है। यही है कोबरा सांप, कोबरा का बच्चा है, इसको भी रिलीज कर देते हैं, ये भी चला जाएगा। पानी में चला गया, वाह वाह रे वाह। और कैमरा बढ़ाओ, कैमरा बढ़ाओ। यही है दोस्तों ढोरवा सांप, जो रेस्क्यू किए थे हाजीपुर सिटी में, और इसको इलीज सी नदी में कर देते हैं, नदी का चीज नदी में ही रहे, आजाद रहेगा। और ये दो तीन और सांप है, जो कोबरा है, एक सकरा सब बोलते हैं, बताते हैं। नदी में सांप को रिलीज करेंगे, अभी छोड़ने का मजा है कुछ और है। बेजुबानों को 100 लोग से 20 से ला के
ईद आजाद का देना, परम कर्तव्य निभाते हैं, इसको छोड़ते हैं। पर्यावरण को बचना बहुत जरूरी है। पंद्रह बीस साल पुराना ढोरवा साफ है, ये अजीब अजूबा तरह के है, देख सकते हैं अभी निकलता है तो। इसका यही भाग बंद कर देते हैं।